हाँ जी करीम पहुंच चुकी है और हाँ जी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। नाम क्या आपका? आमिर साहब है हमारे साथ जो ड्राइव कर रहे हैं हमें रेलवे स्टेशन से निशात होटल। बहुत ही ज़बरदस्त रोड्स हैं लाहौर में। मेरा ख्याल हमारा सारे का सारा जर्नी जो होगा वो केनाल रोड के ऊपर ही होगा, बिकॉज रेलवे स्टेशन जो होता मेरा ख्याल है केनाल रोड ही सबसे बेस्ट है। ट्रैफिक का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं, इतना ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं। शायद वीक डेज है और अभी 12:30 का टाइम है। सो फार सो गुड। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो होगा ये वाला के डे टाइम लाहौर के रोड्स हम ड्राइव करेंगे ऑल द वे टू एम्पोरियम और निशात होटल, फिर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह फोर्ट्रेस स्टेडियम और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे क़द्दाफ़ी स्टेडियम थोड़ा बहुत, और फिर नाइट जो व्यू है लाहौर का रोड्स का लाइटिंग्स वो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो इतनी डिटेल में बहुत ही अरसे के बाद मेरा आना हुआ है लाहौर में, लेकिन इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। डेकोरेशन बड़ी अच्छी की हुई है, बसंत तो मेरा ख्याल है हो नहीं सकी लाहौर में, तो अभी बैसाखी शाखी भी आ रही है नेक्स्ट मंथ, तो उसकी जश्न बहारा की तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसा कि हम मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें भूलते जा रहे हैं, नई चीज़ें हम ऐड करते जा रहे हैं, तो अगर जश्न बहारा हमने बैसाखी को मेरा ख्याल है जो नया नाम दे दिया वो जश्न बहारा है, नई जो जनरेशन आ रही है उसको बैसाखी के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल पुरानी चीज़ों के साथ साथ जो है ना जो नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को भी साथ रखना चाहिए, नई जनरेशन को पता चलना चाहिए कि ये जश्न बहारा क्या है, क्यों ये बहार है, क्या है ये सारा सिलसिला है। तो बैसाखी को इसके साथ अटैच करें पंजाब में, और मेरा ख्याल ये बहुत ही मशहूर है बैसाखी का जो फेस्टिवल, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, किसी चीज़ के पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। जो कौम अपने माजी को अपने पास्ट को भूल जाती है वो कौम ख़त्म हो जाती है। तो ये है जनाब एक्सपो सेंटर लाहौर, लाहौर एक्सपो सेंटर, बहुत जल्द होगा एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम मॉल आपको नज़र आ रहा है, ये है जी लाहौर एम्पोरियम मॉल निशात होटल जोहर टाउन ब्रांच। निशात होटल तो है एक जोहर टाउन में, एक गुलबर्ग में, हम ठहर रहे हैं जोहर टाउन वाले में।
Love Lahore, love food. Welcome to the streets. Lahore Lahore. हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं कदाफी स्टेडियम. हम से लाहौर फूड स्ट्रीट चिकन हवेली रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ से साइट सीइंग टूर बस आपको नहीं मिलती, तो आपको कदाफी स्टेडियम जाना पड़ता है. सो नाउ वी आर हेडिंग टू कदाफी स्टेडियम. बहुत ही ज़बरदस्त नात और कवालीज जो ऊबर के ड्राइवर थे उनकी तरफ से, बड़ी अच्छी सिलेक्शन है उनकी. हाँ जी, जिधर होगा मैकडोनल्ड उधर ही होगा KFC, उधर ही होगा सबवे, उधर ही होगा सारा कुछ. होना तो ये चाहिए कुछ एक इधर हो, दूसरा उधर हो, तीसरा इधर हो, तो बंदे को जब भूख लगे तो कुछ हल्का फुल्का हो जाए. बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट की चॉइस है, बहुत ही ज़्यादा मॉल्स एंड शॉप्स हैं लाहौर में. बहुत कुछ आप के लिए लास्ट में विजिट करें लाहौर को. हाँ जी, हम पहुंच गए हैं बस टर्मिनल पे. तो बैड न्यूज़ के आपके पास इतने पैसेंजर्स नहीं हैं, तो बस अभी बाहर नहीं जाएगी. बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बेशक एक बंदा है, दो बंदे, उनको बस निकालनी चाहिए. कदाफी स्टेडियम फूड मार्केट, कुछ खाना नहीं. रात का भी एक अपना मज़ा है लाहौर में, बहुत रोशनी है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े वाली चीज़ है वैसे लाहौर में. लेकिन डिटेल के साथ फर्स्ट टाइम लाहौर की सड़कों पे घूम भी रहे हैं. तो हम पहुंच चुके हैं अभी फोर्ट्रेस स्टेडियम. यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग का ज़्यादा है, और साथ साथ खाने वाली चीज़ें भी हैं. Yeah.
Fortress Stadium. जी उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो इसको लाजमी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा व्लॉग हैं वो आने वाले हैं। तो बेहतर है कि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इजाज़त, आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने सब प्यारों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे लाहौर से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।